हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स लेकर के आई हूँ। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है इसका ये फर्स्ट सीरीज़ है। इसके अलावा मैं और भी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। आप लोगों को सिर्फ अपने सब्जेक्ट जो बुक है आपका सोशल, उसके ऊपर ही सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहना है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी है, इनसाइड क्वेश्चंस भी करने हैं। सो ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है, आई होप ये आपको हेल्प करेगा और पूरा ही एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। ये इसके अलावा मैं इस चैप्टर्स के जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी प्रोवाइड करूँगी। सो चैनल के साथ बने रहिएगा और ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला है गिव वेरी शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू क्वेश्चंस, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड ऑफ लैंग्वेज ग्रीक, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश। तो इसका आंसर क्या होगा? एज वी नो, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम विच वर्ड, किस वर्ड से डिराइव कर रहा है? इकोनोमिया, ओइकोस, एनवायरन, पॉलिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इकोनोमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लायनल रॉबिन, सैमुअलसन। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, एडम स्मिथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज हु हैज़ गिवन द वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन किसने दिया था इकोनॉमिक का, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए, एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लायनल रॉबिन्स, सैमुअलसन, ठीक है। तो इसके जो आंसर होंगे, इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ गिवन द वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन, वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसके ऑप्शंस है अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, लायनल रॉबिन्स, सैमुअलसन। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ गिवन द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दी थी? तो ऑप्शन है लायनल रॉबिन्स, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, सैमुअलसन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लायनल रॉबिन्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इन विच बुक एंड व्हेन डिड एडम स्मिथ गिव हिज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसके ऑप्शन है एन इंक्वायरी इनटू द नेशन, An Inquiry into the Nation and Causes of Wealth of Nation, published in 1776, then Principle of Economics, published in 1890, then An Essay on the Nature and Significance of Economics, Science, ये 1932 होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे इतने लिखा गया 1932, ओके। तो आपका इसमें आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एडम स्मिथ का जो बुक है वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिए इन विच बुक एंड व्हेन डिड अल्फ्रेड मार्शल गिव हिज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। अब यहाँ किसके बारे में पूछा है? अल्फ्रेड मार्शल के बारे में पूछा है। तो इसका ऑप्शंस देख लीजिए आप, इसका Principle of Economics, published in 1890, An Essay on the Nature of Significance of Economic Science, published in 1932, An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nation, published in 1776. तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये किसका है? एडम स्मिथ का है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल का कौन सा हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश्ड इन 1890, ओके। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9,
In which book when did Lionel Robbins gives his definition of economics. ठीक है, तो इसका options आप देख लीजिए. An essay on the nature and significance of economics, science 1932. Okay. प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पे सिर्फ बुक का पूछा है तो हम यहाँ पे ईयर ना भी मेंशन करें तो भी चलेगा. देन एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, लायनल रॉबिन्स का क्या हो जाएगा ये, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसका है, अल्फ्रेड मार्शल का है, एंड इंक्वायरी किसका, एडम स्मिथ का है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन में देखिए. Who said that the definition of economics given by Adam Smith is the gospel of the mammon? किसने कहा था ये? इसके ऑप्शंस है कार्ले एंड रस्किन, सैमुएलसन एंड नॉर्डस, अल्फ्रेड मार्शल, लायनल रॉबिन्स. किसने कहा था, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, कार्ले एंड रस्किन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Who offered the definition of economics based on efficiency? Okay, efficiency के ऊपर किसने definition दिया था? तो option है Adam Smith, Lionel Robbins, Alfred Marshall and Nordhaus. तो इसका answer क्या हो जाएगा? Option number A, Adam Smith. Okay, next question है आपका, question number 12. What is the power of commodity to satisfy human wants? ठीक है, तो इसके options है utility, then goods wealth wants. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूटिलिटी. ओके, आंसर विल बी यूटिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है, ये मैंने ऑप्शनल में नहीं डाला क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था. The word micro and macro have been derived from which word? Micro and macro किस word से derive करते हैं ये बताना है. ठीक है, तो microeconomics word is derived from Greek word micros, okay, which means small, and macroeconomics is derived from Greek word macros which means large. Okay, so ये आपका last question था इस video का. इसके अलावा और भी मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और भी इनसाइड क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगी, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी. ठीक है, तो गाइस तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा.